तो यार एक पंगा हो गया। हेलो गाइस और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो यार अभी मैं जस्ट कलकत्ता से थोड़ा आगे आया हूँ, बिकॉज ये रोड तो वैसे भी आपने लास्ट व्लॉग में देखा हुआ है, तो दोबारा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी मैं जस्ट वडवंचा से अराउंड 5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। और भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सुबह से पूरी रात एक्चुअली हो रही थी, और केरला में पूरे केरला में 5 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है गवर्नमेंट ने, तो बारिश तो वैसे भी रुकने वाली है नहीं। तो आज हम जा रहे हैं वैसे ऊटी, और वो कलकत्ता से अराउंड 120 किलोमीटर है, और अभी तक हमने अराउंड 26-27 किलोमीटर कम्प्लीट कर लिया। तो अभी रोड बहुत सही है, हिली रोड है, और एकदम मस्त फॉगी वेदर हो रखा है, तो राइड करने में भी बहुत मज़ा आ रही है। और ये देखो आप वेदर देखो एक बार, एकदम पूरा फॉगी फॉग है, तो बहुत सही वेदर हो रखा है। और अभी आगे की जर्नी तय करते हैं। अभी अराउंड बज रहे हैं 11:45, और हम ट्राई करेंगे कि अराउंड 4-4:30 बजे तक ऊटी पहुंच जाए। अगर आप कलकत्ता से आ रहे हो ऊटी जाने के लिए, तो अराउंड 20 किलोमीटर के बाद मैं पड़ी हो के वडवंचल करके एक टाउन है, वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, तो वहाँ से आपका अराउंड 95 किलोमीटर ऊटी रहेगा। और आज तो इतना सारा फॉग है ना कि बार बार मेरे को कैमरे का लेंस भी गोप्रो का साफ करना पड़ रहा है, एकदम धुंधला धुंधला सा वीडियो आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये हमारा रह गया ऊटी 88 किलोमीटर और गुडालूर 38 किलोमीटर। और ये पूरा देखो बारिश शुरू हो गई है, मैं अभी एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, और ये पूरा फॉग हो रखा है, और ये पेड़ पे लिखा हुआ है एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया। तो इसके पहले कि हाथी आ जाए हम यहाँ से निकलते हैं, चलो चलते हैं। अभी तो बहुत जाना है, 85 जितना तो हो गया किलोमीटर। चाय की पत्तियाँ छान रहे हैं, आई थिंक इनका लंच ब्रेक है या तो फिर घर पे जा रहे हैं, पता कुछ होगा। ये कौन सा टाउन है, चिरामबदी। तो अभी हम चिरामबदी पहुंच गए, इससे पानी आ गया कैमरे पे। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन अहेड, कांच की दिख जाए यार। आपको पता है मैं कुटा से वायनाड आया था, तो वहाँ पे मनंथावाड़ी के पास एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पे मेरे को हाथी दिखा था, पर यार अनफॉर्चुनेटली कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड का बटन तो दबाया पर ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो गया। ये पता नहीं गोप्रो के नए फॉर्मवेयर में कुछ तो लोचा है,
कभी कभी वीडियो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक, कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। बहुत सही नज़ारा था वो। एक्चुअली जब फॉरेस्ट में जब एंटर हुआ ना, तो वहाँ पे तीन चार डियर भी दिखे थे और उसके बाद एक हाथी भी दिखा था। काश कि यहाँ पे भी दिख जाए यार। एक्चुअली हाथी तो बहुत देखे हमने, आपने भी शायद देखे होंगे सिटी में, पर वो क्या बंधे हुए होते हैं, ये एकदम जंगल में एकदम फ्री ऐसा घूमता हुआ अपनी मौज मस्ती में, ऐसा हाथी देखने का अलग ही मजा है यार। यार 4 किलोमीटर से अधिक पैदल ऐसे ही पैदल चल रहा हूँ, इतना ज़्यादा अपील है भाई, पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है, चला के ले जाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सो गुडालोर इज अ मिडल पॉइंट वेन यू गो ऊटी फ्रॉम वायनाड। बीच का कुछ टाउन है, आई थिंक सिटी होगा वो, तो वहाँ पे पहुँच के ही पता चलेगा सिटी है कि गांव है क्या है, पर मिडल में उतना पता है। भैया वो देखो बस भी थक जा रही, हम तो क्या चीज़ है। बारिश का यार गजब सीन है, मतलब जब मैं सोचता हूँ ना कि रेनकोट निकाल दूँ तो फिर से शुरू हो जाती और फिर बंद हो जाएगी। ये हम पहुँच गए पंडलूर। पेट्रोल पंप आया, पानी वानी भर लेते। तो यार एक प्रो टिप देना चाहूँगा आपको, जब भी बाइक पैकिंग टूर या आप ट्रैवल करो, ट्राई करो कि कोई पेट्रोल पंप पे ही पानी भर लो, नहीं तो यार 20 रुपए की बोतल ले लेके पता ही नहीं चलता उसमें कितने सारे रुपए चले जाते। भूख लगी है बहुत तगड़ी। और अब छोटा सा कोई ढाबा या मैस आ जाए तो अच्छा है, जो रेस्टोरेंट भी चलेगा यार, जिसमें अच्छा खाना मिल जाए। ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो फॉग के आगे। वैसे ना यार सही बताऊँ ना तो मेरे को आज नींद आ रही है, क्योंकि यार पता नहीं मेरे को ऐसा होता है कि जब भी मेरे को कहीं पे जाना होता है ना, या कहीं राइड पे जाना होता है, तो मेरे को रात को नींद ही नहीं आती। मतलब रात को मैं 2-2.5 बजे सोया, और एक्चुअली प्लान ये था कि 4 बजे उठ के मेरे को 5-5:30 बजे तक निकल जाना था वहाँ से, तो मैं यार 4 बजे तक तो ऊटी पहुँच जाता, पर 2 बजे सोया तो फिर नींद ही नहीं खोली मेरी, अलार्म बजा फिर बंद करके सो गया मैं, और फिर मैं उठा 6:30 बजे, तो फिर मैं निकला वहाँ से 7:45 जैसा हो गया था निकलते निकलते।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट में बताना कि होता है या नहीं होता है। तो भैया फाइनली लंच का टाइम हो चुका है, तो अभी यहाँ पे रास्ते में ही एक मैस मिल गया, वहाँ पे जो टिपिकल साउथ इंडियन डिश होती है वेज, वो खाने के लिए रुक गया। तो आज का हमारा जो लंच है वो कुछ इस तरह से है, ये सांभर, ये राइस, पापड़, देन ये कुछ सब्जी है, और ये कैरेट, एंड ये रायता। और पता नहीं क्यों बट साउथ इंडियन लोग खाने के बाद चाय तुरंत पीना पसंद करते हैं, तो आज हम भी वहाँ ऐसा ही ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसी फील आती है। एक्चुअली मैंने जब से कुर्ग में था तब से मैंने देखा है कि लोग खाने के बाद तुरंत चाय पीने का पसंद करते हैं, तो आज हम भी पी के ट्राई करेंगे कि कैसा लगता है, और फिर खाना खा के फिर यहाँ से चलते हैं। आगे से ओके, थैंक यू। आधा डिस्टेंस कवर हुआ है अभी तक। तो यार एक पंगा हो गया, अभी जो एटमॉस्फेयर है ना एकदम कुछ ज़्यादा ही फॉगी सा हो गया, और यहाँ पे यार हिल स्टेशन में कुछ ज़्यादा ही जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि अराउंड 30 किलोमीटर पहले एक ट्रांसपोर्ट सर्विस की ट्रक में, मतलब ट्रक में साइकिल जो डाल दिया, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे, तो ये साइकिल डाल दिया, और अभी जस्ट ब्लैक टी पी रहे, तो अभी ख़त्म करके फिर आपको मिलवाता हूँ डायर पे, सब बहुत ही फनी है वो, बहुत मज़ा आ रहा है। क्रश और फ्रेंड, क्रश और फ्रेंड है, क्रश फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। आई डाउट। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो टी पी ने रुके थे ना, तो वो भैया का क्रश है, तो उसी के लेके चर्चा हुई, और भैया बहुत फनी है, बहुत आसान है भैया। एक्चुअली हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कर्नाटका, ये सारी लैंग्वेज आती है, We don't need a day.
destination. Let's go where the river's taking us. Mm-hmm. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Mm-hmm. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. तो यार अभी होटल में आ चुका हूँ और इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ 522 रुपये पर नाइट। तो होटल एक्चुअली जिस लोकेशन में है ना, वहाँ से मुझे जो मतलब जो भी प्लेसेस जो एक्सप्लोर करने हैं वो एकदम नज़दीक नज़दीक में है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा। और होटल का नाम है अनिका पैलेस बाय पेपेइन। तो होटल बहुत बहुत सही है, रूम उतना बड़ा नहीं है, पर वैसे भी मुझे सोने के लिए आना तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और सेकेंड थिंग कि भैया लोग मेरे को बस स्टैंड पे उतार के निकल गए थे क्योंकि उनको कोयम्बतूर जाना था, तो वो यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर है। और भाई वहाँ से आते आते मेरी जो हालत ख़राब हुई है ना, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर हो रखा है ऊटी में वो अराउंड 9 से 10 डिग्री सेल्सियस, पूरे मेरे हाथ जो है ना वहाँ से आते आते एकदम फ्रीज हो गए थे 2 किलोमीटर राइड में। तो ये है। और भैया लोगों के साथ बहुत मज़ा आया, मतलब उन लोगों ने बीच में चाय पीने के लिए रुके थे, आपने जो देखा वीडियो में, तो उसमें मेरे को पैसे भी नहीं देने दिए और साइकिल रखी उसके भी पैसे नहीं देने दिए। मतलब मैं वहाँ से यहाँ तक पूरा फ्री में आया हूँ, एक भी रुपया उन्होंने नहीं लिया। बहुत अच्छे बंदे थे यार, बहुत अच्छे। ये तो मतलब कहना पड़ेगा कि साउथ इंडिया में यार प्यार तो बहुत मिल रहा है मेरे को, मतलब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना लोग ऑलवेज हेल्पफुल होते हैं। तो मैं बोलते बोलते एकदम मेरे होठ है ना एकदम कड़कड़ा रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है मेरे को। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते, अभी मैं वीडियो एडिट करके फिर सो जाऊंगा और ट्राई करूंगा कि अब से डेली व्लॉग आए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको फिर मिलता हूँ ऐसी एडवेंचरस वीडियो के साथ, नए फन और नए एडवेंचर के साथ। सो पीस। Sunglasses and the Atlas, we can prove we're smarter than a phone. Mm-hmm. Let's go where there's no reception, see if we can make